एक टॉपिक है ये, लर्निंग इज अर्निंग. डू यू थिंक अबाउट दैट, दैट इज गुड टॉपिक की लर्निंग इज अर्निंग. अगर सीखेंगे तो कमाई होगी. क्यों भी लर्निंग इज अर्निंग, इट इज 100% करेक्ट. इफ यू आर लर्निंग वेल, यू आर अर्निंग वेल, राइट. लोग कहते हैं कि डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं? तो मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, मनी ग्रोज ऑन द ट्री ऑफ टैलेंट, ऑन द ट्री ऑफ विजडम, ऑन द ट्री ऑफ अलर्टनेस, ऑन द ट्री ऑफ अवेयरनेस, ऑन द ट्री ऑफ रेगुलर लर्निंग, ऑन द ट्री ऑफ कंसिस्टेंट लर्निंग. एंड सम पीपल दे से अबाउट दैट, आई हैव टेकन, आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी. ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, राइट, बिकॉज लर्निंग इज ऑलवेज बेस्ट अर्निंग. लर्निंग ओपन्स न्यू डोर्स ऑफ योर माइंड. कीप नॉकिंग द डोर इन द वर्ल्ड by your learning. Learning creates many options in your life. Bible में लिखा भी है ना, keep knocking the door, one day you can open the door. Keep searching new opportunities, one day you can get the new opportunities. Keep exploring new dimensions of life, and 101% one day you can get the new dimensions in your life. अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं था उसमें वाला, केबीसी में था नहीं, कि अगर आप ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, कमाते रहेंगे. वही डायलॉग यही समझ लीजिए. All the people who have knowledge, they come over there and they get a handsome amount. Right? So it is 100% right ki learning is earning. So never stop. Boliye, never stop your learning. Just likh lijiye. It is a very good dialogue. Good dialogue. Right? If you are If you are learning, well, then you are earning well. Right? Learning opens new doors of opportunities. In life,
अब क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, राइट? अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर स्किल्स, राइट? योर बिहेवियर, योर स्टाइल, यस, योर टॉकिंग, राइट? अगर ये चीज आप करते हैं, राइट, देन यू आर बी रेगुलर, बी अ रेगुलर, बी अ रेगुलर लर्नर, एंड रेगुलर अर्नर, राइट? लर्निंग इज स्टॉप्ड, अर्निंग इज स्टॉप्ड, लर्निंग इज stopped, then earning is stopped, learning is stopped, then earning is stopped, okay? So as you are thinking in your practical ground, you should write only that. ओके, जिस चीज को हम कर सकते हैं वही आपको लिखना भी चाहिए. नॉट ओनली यू हैव टेकन फ्रॉम द इंटरनेट, यू हैव टेकन फ्रॉम द बुक्स एंड देन यू हैव रिटन वेरी नाइस, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इफ यू कैन नॉट ब्रिंग इन योर लाइफ दैट इन द प्रैक्टिकल ग्राउंड. ओके, अगला कल मैं आपको डिस्कस करूंगा एक न्यू टॉपिक कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. ज़िंदगी में हम कैसे सिक्योरिटी पैदा कर सकते हैं और कैसे इनसिक्योरिटी, किन चीज़ों से सिक्योरिटी पैदा होती है और किन चीज़ों से इनसिक्योरिटी पैदा होती है, राइट? हाउ वी कैन डेवलप द सेंस ऑफ सिक्योरिटीज, हाउ वी कैन डेवलप द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज, राइट?